हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस क्वेश्चन में हमारे कुछ दोस्तों ने पूछा है कि आप ये बताएं कि फॉर एग्जांपल उनको अच्छी प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। अच्छा, ये जो वीडियो है ये स्पेशली फ्रेश फार्मासिस्ट के लिए है या फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है, क्योंकि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी से निकल रहे होते हैं तो शायद उनके जहन में प्रोडक्ट जो मार्केट होती है, जॉब मार्केट, उनके जहन में यही होता है कि कुछ ज़्यादा ही जो है ना डिटेल होती है, क्वेश्चंस वगैरह होती है, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज, दिस एंड दैट। सो नंबर ऑफ फ्रेंड्स ने ये पूछा है कि क्या उनको अगर प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज नहीं है, इज इट स्टिल पॉसिबल दैट दे कैन गेट अ जॉब स्पेशली इन यूएई मार्केट में और इन अ गल्फ कंट्रीज। याद रखिएगा, अगर आपके पास डिग्री है, ओरिजिनल डिग्री, इट शुड बी ओरिजिनल, प्रॉपर तरीके से आपने डिग्री ली है, एजुकेशन डिग्री है आपके पास, उसके बाद आप यूएई में गल्फ कंट्रीज में आके एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, आपके पास, आप एलिजिबल हैं, एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, आप एग्जाम पास करते हैं, दैट इज एनफ। याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एम्प्लॉयर नीड्स योर लाइसेंस, द फर्स्ट थिंग दैट दे नीड योर लाइसेंस। सेकेंड थिंग, डेफिनेटली एक स्टूडेंट जो 3 से 4 साल तक कॉलेज यूनिवर्सिटी आया गया है तो डेफिनेटली ही वुड बी हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इफ नॉट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स सो एटलीस्ट ही वुड बी हैविंग सम कम्युनिकेशन स्किल्स, सो दैट कि आपको आखिर जॉब करनी है, आपको कस्टमर को फेस करना है, आपको पीपल फेसिंग करनी होती है, सो दिस मच आप ट्रेन होंगे। So not necessarily that ke you should have the depth knowledge of a specific product or a specific subject like pharmacology, pharmacognosy, no, not at all. Aapke paas jo bhi knowledge hai that is enough, but at least you should have a good communication skills. Agar aapko thodi bahut English aati hai, so that is advantage for you. Good also for you. Or apart from that, whichsoever the language you know, but it should be this much that you can properly communicate your message. So, बस अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास degree हो, आपके पास exam अगर pass किया है, उसके बाद आपकी personality matter करती है, and apart from that कि जब आपकी learning जिसको catch up power बोलते हैं कि आपको at least learning आपकी अच्छी हो, आपको वो सिखाएंगे, आपके जो भी एम्प्लॉयर हैं आपको वो चीज़ें सिखाएंगे कि हाउ टू मैनेज द जॉब, हाउ टू मैनेज यू नो योर डे टू डे जॉब असाइनमेंट्स, सो डोंट वरी अबाउट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो ज़्यादातर दोस्त पूछते हैं दैट विच सेक्टर इज बेटर फॉर फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। याद रखिएगा, किसी ज़माने में इन द वेरी स्टार्ट मे बी 20 years before, private sector was far attractive and you know it was having far benefits than government. Lekin scenario ab change ho chuka hai, government jobs, jo government hospitals hain, jo government sector hai, usme far benefit hote hain aur usme aapko bahut acche jo hai na compensation mil rahi hoti hai, usme aapke जो है ना वर्किंग आवर्स काफ़ी रिलैक्स होते हैं और उसके बाद जो है ना आपके पास आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। So this is another advantage of government job. So if from my point of view, I would suggest ke if one has the opportunity or one has the options, two options, government and a private options, then he should go for the government hospitals or a government sector job. So thank you so much friends, and take very much care of yourself. Until my next video, bye bye.